झारखंड में एनडीए का धमाका, बीजेपी को 68 सीटें, आजसू को 10। क्या है पूरी जानकारी, आइए जानते हैं। नमस्कार, मैं इशिका, स्वागत करती हूं आपका सिटीजन पोस्ट में। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए दलों में सीट शेयरिंग की डील हो गई है। सीट बंटवारे के अनुसार झारखंड की 81 में से 68 सीटें बीजेपी को मिली है, वहीं आजसू 10 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी, जबकि जनता दल यूनाइटेड 2 सीटों पर और चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी की झोली में 1 सीट आई है। असम के मुख्यमंत्री और एनडीए के वरिष्ठ नेता हेमंत बिस्वा शर्मा ने इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में एनडीए पूरी ताकत से जनता के सामने आएगी, हमें विश्वास है कि सरकार हमें सेवा का मौका जरूर देगी। उन्होंने इंडिया अलायंस पर इल्ज़ाम लगाते हुए ये भी कहा, इंडिया अलायंस ने झारखंड और उसकी राजनीति को बर्बाद कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार झारखंड विधानसभा की जिन 10 सीटों पर आजसू चुनाव लड़ेगी उनमें सिल्ली, रामगढ़, गोमिया, ईचागढ़, माड़ू, जुगसलिया, डुमरी, पाकुड़, लोहरदगा, मनोहरपुर शामिल है। वहीं जेडीयू जमशेदपुर पश्चिम और तमाड़ सीट पर चुनाव लड़ेगी। चतरा विधानसभा सीट चिराग पासवान के नेतृत्व वाली लोजपा राम विलास को दी गई है। अगर बात करें चुनाव की तारीखों की तो झारखंड विधानसभा चुनाव 2 चरणों में होंगे। पहला चरण 13 नवंबर को होगा और इसके लिए नामांकन 25 अक्टूबर तक हो गए। दूसरे चरण का मतदान 20 नवंबर को होगा और नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। राज्य में 44 सीटें अनारक्षित हैं, 28 सीटें एसटी और 9 सीटें एससी वर्ग के लिए आरक्षित हैं। और इस समय झारखंड में 2.6 करोड़ मतदाता हैं। इससे जुड़ी आगे की जानकारी के लिए जुड़े रहें सिटीजन पोस्ट के साथ। धन्यवाद।